हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेडीज़ बोडाइज ब्लॉग सिखाने वाली हूँ। 14 साइज़ का मीडियम साइज़ का ब्लॉग बनने वाला है। इसके पहले मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है बस्ट विड्थ 96 सेंटीमीटर, वेस्ट 72 सेंटीमीटर, बेस ऑफ नेक 36 सेंटीमीटर, नेक बैक 7 सेंटीमीटर, नेक फ्रंट 6.75 सेंटीमीटर, फ्रंट बैक 37.5 सेंटीमीटर, शोल्डर 13 सेंटीमीटर, बस्ट आर्ट 7.8 सेंटीमीटर, नेक टू वेस्ट 43.5 सेंटीमीटर, नेक टू वेस्ट बैक के लिए 39 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ आर्म होल 22 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ आर्म होल 11 सेंटीमीटर, बस्ट लेवल 24 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कि ब्राउन पेपर पे इसका ड्राफ्ट किस तरह से बनाते हैं। मैंने पहले से ही यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। 0 से 1 जो है वो 39 सेंटीमीटर है, 1 से 3 56 सेंटीमीटर है। मैंने पूरा बॉक्स बना लिया है 39 और 56 सेंटीमीटर का। बॉक्स बनाने के बाद 0 से 4 जो है वो 22 सेंटीमीटर है डेप्थ ऑफ आर्म होल। उसके बाद 4 से डॉटेड लाइन होते हुए यहाँ पे मुझे नया पॉइंट मिलेगा, वो है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के लिए यहाँ पे 0 से 6 जो है 6 सेंटीमीटर बैक का नेक लिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 to 7 जो है वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रेज किया हुआ है। 4 से लेके 8 जो है वो 18.8 लिया है, और यहाँ से डॉटेड लाइन लेते हुए हमें नया पॉइंट मिल जाता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 के यहाँ से इसे नीचे तक मार्क करना है। पॉइंट नंबर 10 के लिए 3 सेंटीमीटर लेना है, और फिर इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से आगे रेज करना है, और यहाँ पे हमें 7 से यहाँ पे 14.5 लेना है। इस डॉटेड लाइन के यहाँ पे डॉटेड लाइन ही लेनी है। 4 से लेके 12 जो है वो 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर के बाद आपको यहाँ पे 7 से लेके 13 3 सेंटीमीटर है, जो आपको स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी स्लांट लाइन मानी है। 13 से 12 इस तरह से अपने स्केल को प्लेस करना है, और 13 से 14 आपको 8 सेंटीमीटर डार्ट के लिए लेना है। 13 से यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद इसी पॉइंट से जाते हुए वापस 8 सेंटीमीटर का डार्ट कंप्लीट करना है। वहाँ पे हमें पॉइंट नंबर 15 मिल जाएगा। 16 को यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए, मैंने 13 से लेके जो 15 है वो 1.5 मुझे पॉइंट मिला हुआ है। उसके बाद मैंने इस लाइन से उस पॉइंट को 15 पॉइंट को होते हुए मैंने फिर से 8 सेंटीमीटर डार्ट मेरा कंप्लीट किया है। फिर 16 से लेके 11 को शोल्डर ज्वाइन कर दिया है। 8 से लेके 18 5 सेंटीमीटर है, और फिर डॉटेड लाइन से नीचे तक लेके आना है, वो पॉइंट नंबर 19 बन जाएगा। 0 10 से लेके 8 का हाफ मैंने 20 किया हुआ है, और फिर इसे डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है, और नेक के यहाँ पे नेक शेप देना है। आर्म होल का शेप दे दिया है, नेक का शेप दे दिया है। अभी हमें वेस्ट के जो डार्ट्स है बैक में उसके पास देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से लेके 22 को 7 सेंटीमीटर लिया हुआ है, वो वेस्ट का 10 है। फिर 3 सेंटीमीटर आगे डार्ट के लिए लिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो डार्ट की लेंथ है नंबर 25 ये है 15 सेंटीमीटर हमारी डार्ट लेंथ है। अभी मुझे और एक डार्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है और 10 सेंटीमीटर का डार्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे दूसरा डार्ट बना लिया है 10 सेंटीमीटर का। यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल के फिर ये जो डार्ट का जो इनटेक है वो 1.5 है टोटल, और उसके बाद इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। फिर डार्ट के जो नीचे शेप है वो मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे बैक हमारा रेडी हो चुका है, तो अभी हम फ्रंट में देखेंगे। फ्रंट में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने 2 से लेके 35 6.75 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 35 है, यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन ऊपर ली है। अब क्या करना है कि पॉइंट नंबर 3 से मुझे 36 मतलब यहाँ पे इस लाइन पे मुझे 43.5 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से मैंने 43.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इस लाइन को पॉइंट 3 के साथ ज्वाइन कर दिया है। 36 पॉइंट को 37 तक मैंने आगे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे लाइन मीट हो रहे हैं वहाँ पे 37 पॉइंट मुझे मिल गया। 37 से लेके 38 6.75 सेंटीमीटर लेना है, और 36 से 37 मुझे फ्रंट का नेक शेप मानना है।
5 से लेके 39 25.5 है, फिर यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे नीचे उसे स्ट्रेट लाइन मानी है वो हमें 41 पॉइंट मिलेगा, फिर 39 से लेके 41 5 सेंटीमीटर है, 41 पॉइंट को ऊपर ऊपर डॉटेड लाइन से जॉइन करना है, हमें हमारी शोल्डर लाइन मिल जाएगी। 42 से 43 4.5 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद इसे डॉटेड लाइन से इस तरह से आगे एक्सटेंड करना है। 5 से 45 9.5 सेंटीमीटर लेना है, फिर 36 से लेके 49 हमें 24 सेंटीमीटर लेना है 45 के टूवर्ड्स आते हुए उसे मैच करना। 36 से लेके 44 जो है 20.8 सेंटीमीटर है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। अब मुझे क्या करना है, 45 से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 47 मिलेगा और यहाँ पे पॉइंट नंबर 46 मिलेगा। पॉइंट नंबर 47 और 46 मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, 49 से लेके 24 सेंटीमीटर यहाँ तक लेना है, उसके बाद 36 को 48 के साथ मैच करना है। ये मेरा डार्ट है, शोल्डर डार्ट। यहाँ पे मैंने 7.8 सेंटीमीटर लिया हुआ है, उसके बाद वापस इस पॉइंट को जाते हुए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर यहाँ पे भी लेना है। पॉइंट नंबर 51 जो है वो 54 के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, आर्म होल का शेप देना है। यहाँ पे आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है, उसके लिए मैंने इस पूरे लाइन को मेजर करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके डॉटेड लाइन से मैच करके आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम वेस्ट के डार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो 49 है, 49 से 55 जो है 5 सेंटीमीटर लेना है, फिर उसके बाद 46 से 57 2 सेंटीमीटर का डार्ट रखना है और लाइन को अटैच करना है, 0.5 से आगे लेना है और डार्ट के शेप देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फ्रंट रेडी हो जाएगा, सिर्फ वेस्ट का मेजरमेंट हमें डालना है। अभी 3 से लेके 23 सेंटीमीटर है और वहाँ से 0.5 मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ पे शेप दे दिया है। फिर उसके बाद कंपोनेंट का नाम मैंने दे दिया है, यहाँ पे फ्रंट और ग्रेन लाइन लगा दी है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट बोर्डाइज ब्लॉक और बैक बोर्डाइज ब्लॉक रेडी हो चुका है।